आज के दिन 1903 में नॉर्वे के रोल्ड अमंडसेन ने कनाडा के द्वीपों को पार कर अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी। इस रास्ते को नॉर्थ वेस्ट पैसेज भी कहा जाता है। उन्होंने ये यात्रा मछली पकड़ने वाले जहाज गोवा से की थी। उनके साथ इस खोज में 3 लोग और थे। इस दौरान आर्कटिक में रहने वाले लोगों से उन्होंने ठंड से लड़ने के कई तरीके भी सीखे। ध्रुव में रह रहे नेट सिलिक लोगों ने उन्हें जानवरों की खाल के बने खास कपड़ों के बारे में बताया। वर्ष 1928 में उत्तरी ध्रुव से आ रहे एक जहाज के लापता होने के बाद अमंडसेन राहत पहुंचाने और जहाज को ढूंढने गए, लेकिन खुद मौसम का शिकार हुए और खो गए। उसके बाद किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा। 1920 में आज एक दिन भारत के प्रसिद्ध राजनेताओं में से एक और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल महमूद अली खां का जन्म हुआ था। इन्होंने वर्ष 1943 से कांग्रेस सदस्य के रूप में राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी प्रारंभ कर दी थी। महमूद अली खान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए 6 वर्षों के लिए सदस्य नियुक्त किए गए थे। वर्ष 1980 के बाद उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से सक्रिय राजनीति से अलग रखा और सांप्रदायिक सद्भाव के कार्यों तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में गहरी दिलचस्पी लेते रहे। खान साहब चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली जनता पार्टी के सदस्य भी रहे। 1963 में विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटिना ने उड़ान भरी थी। वोस्टोक 6 के उड़ान भरने के 1.5 घंटे बाद मॉस्को टेलीविजन ने वैलेंटिना की पहली तस्वीरें प्रसारित की थी। 26 वर्षीय रूसी महिला लेफ्टिनेंट वैलेंटिना तेरेश्कोवा ने रूस की राजधानी मॉस्को से अंतरिक्ष यान वोस्टोक 6 में अपना सफर शुरू किया था। कपड़ा उद्योग में काम कर चुकी तेरेश्कोवा रूस की 6वीं अंतरिक्ष यात्री थी। उनके मिशन का मुख्य मकसद था एक और अंतरिक्ष यान के साथ तालमेल बिठाना। वोस्टोक 6 के उड़ान भरने से 2 दिन पहले ही वोस्टोक 5 अंतरिक्ष में भेजा गया था। दोनों अंतरिक्ष यान आपस में रेडियो के जरिए संपर्क बनाने में कामयाब रहे। आज एक दिन 1950 में भारत के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी मिथुन चक्रवर्ती का जन्म हुआ था। मिथुन ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म मृग्या से की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मिथुन ने खुद को बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेता के रूप में स्थापित किया, विशेष रूप से वर्ष 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर जिमी की भूमिका ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। कुल मिलाकर बॉलीवुड की 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय के अलावा उन्होंने बांग्ला, उड़िया और भोजपुरी में भी बहुत सारी फिल्में की। मिथुन मोनार ग्रुप के मालिक भी हैं, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कार्यरत है। और आज एक दिन 1956 में हिंदी भाषा के समकालीन उपन्यासकार, संपादक एवं कुशल लेखक सुरेश कांत का जन्म हुआ था। सुरेश कांत विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अब तक 500 से अधिक रचनाओं के प्रकाशन के अलावा हिंदी के अग्रणी पुस्तक प्रकाशकों द्वारा 50 से अधिक पुस्तकों की रचना कर चुके हैं। वर्तमान में वो भारत के सबसे पुराने और बड़े प्रकाशन संस्थान हिंदी पॉकेट बुक्स के मुख्य संपादक हैं।